हेलो फ्रेंड्स, एमटेक चैनल की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है वकील हमेशा काला कोट ही क्यों पहनते हैं? क्या होगा अगर फेविक्विक आंखों में चली जाए? आखिर चींटियां हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? और क्या होगा अगर मेंढक को दूध में डाल दिया जाए? कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है वकील हमेशा काला कोट ही क्यों पहनते हैं? आइए जानते हैं। वकीलों में ब्लैक कोट पहनने की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। फेब 1685 में किंग चार्ल्स टू की मौत के बाद वहां लोगों ने शोक मनाने के लिए ब्लैक गाउन पहने थे। उसके बाद से ही वकीलों के लिए ब्लैक ड्रेस डिजाइन हुई। क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के सिस्टम से चलती आ रही है, इसीलिए भारतीय कोर्ट में भी वकीलों को ब्लैक कोट पहनने का रिवाज चलता आ रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है, इसीलिए कानून को अंधा माना जाता है। क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति कभी पक्षपात नहीं कर सकता, इसलिए वकील काला कोट पहनते हैं ताकि वो भी दृष्टिहीन व्यक्ति की तरह बिना किसी पक्षपात किए सच्चाई के लिए लड़ सकें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमारे घरों में फेविक्विक का उपयोग अक्सर किया जाता है, तो अगर ये आपकी आंखों में चला जाए तो क्या होगा? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारी आंखों में फेविक्विक पड़ेगा तो आंसू निकलने लगेंगे, जिससे फेविक्विक बेअसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आंखों को कभी बंद ना करें, क्योंकि इससे आंखों की पलकों का आपस में चिपकने का खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने अक्सर चींटियों को कतार में चलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? दोस्तों, जब चींटियां खाने की तलाश में बाहर निकलती हैं, तो रानी चींटी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक केमिकल छोड़ते हुए चलती है। उसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी उनके पीछे चलती। फैक्ट नंबर 7। आखिर प्याज काटते वक्त क्यों आते हैं आंसू? पकोड़े खाने से पहले न चाहते हुए भी हमें क्यों रोना पड़ता है? दरअसल प्याज में एक केमिकल पाया जाता है, जिसे साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड कहते हैं। प्याज काटते टाइम ये केमिकल बाहर निकलता है और हमारी आंखों की लक्राइमल ग्लैंड पर असर डालता है और हमें मजबूरन रोना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6। ज्यादा हंसने पर आंसू क्यों आ जाते हैं? दोस्तों, ज्यादा हंसने पर हमारी फेस मसल्स अनकंट्रोल वे में काम करती हैं, और ऐसा होने पर दिमाग का खुश होने के बजाय दुखी होने का संदेश जाता है और आंसू निकल आते हैं। फैक्ट नंबर 5। चिप्स के पैकेट में हवा क्यों होती है? दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह चिप्स खाने के शौकीन हैं, तो आपको भी चिप्स कंपनियों से एक शिकायत तो रहती ही होगी। वो ये कि इतने बड़े चिप्स के पैकेट के आधे हिस्से में तो हवा भरी होती है। आखिरकार कंपनियां ऐसा क्यों करती है? क्या वो हमारे साथ धोखाधड़ी करती है या कोई और वजह है? चलिए जानते हैं। चिप्स के पैकेट में जो हवा होती है, असल में वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो रंगहीन और गंधहीन होती है। ऐसा करने की एक खास वजह ये है कि नाइट्रोजन चिप्स को लंबे समय तक क्रिस्पी बनाए रखती है। अगर ये नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाए तो चिप्स बहुत जल्दी नरम और खराब हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हजारों सालों तक खराब नहीं होता? इजिप्ट के पिरामिडों में फेरो नाम के बादशाह की कब्र में पाया जाने वाला शहद जब खोजी वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया, तब भी वो उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत थी। फैक्ट नंबर 3। अगर एक आदमी 7 दिनों के लिए घूमने कहीं बाहर जाता है तो 5 दिन के कपड़े पैक करता है, वहीं अगर एक औरत 7 दिनों के लिए टूर पर जाती है तो लगभग 21 सूट पैक करती है, क्योंकि वह यह नहीं जानती कि हर दिन उसे क्या पहनने का दिल करेगा। फैक्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इनमें से 3 राजाओं की ही मूंछ होती है और एक राजा की मूंछ नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर के अनुसार पहले उस राजा की भी मूंछें होती थी, लेकिन जब कार्ड को रीडिजाइन किया गया तो डिजाइनर उनकी मूंछ बनाना भूल गए, और तभी से ये राजा बिना मूंछों के घूम रहे हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या होगा अगर मेंढक को दूध में डाल दे तो? क्या वो बच पाएगा? इसका आंसर है यस। आपको पता ही है मेंढक एम्फीबियन है, तो उसके लिए जमीन और पानी पर रहना आसान है। अब सवाल आता है, क्या हम उस दूध को पी पाएंगे? तो इसका आंसर भी है यस, क्योंकि पहले के जमाने में फ्रिज नहीं होते थे, तो सारी दुनिया में दूध को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए जाते थे, और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहां दूध को स्टोर करने के लिए मेंढक का यूज किया करते थे। दरअसल मेंढक की बॉडी में एक पिगमेंट निकलता है जो दूध का टेस्ट नहीं बिगाड़ता है, और पिगमेंट दूध को खराब होने से बचाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।